हर तरफ हरियाली हरिया है, जैसा दिख रहा है हर तरफ हरियाली। जब बारिश जब कभी तूफान आएगा तो हरियाली पेड़ गिर जाएगा, तो उसके अंदर गिर जाने से वो तार भी वायर की इलेक्ट्रिक वायर की भी वायर भी टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा या खंभा उठा गिर जाएगा, तो इसके मेंटेनेंस में एक दिन या डेढ़ दिन या दो दिन लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। ओके तो तब हमको मजा लगा जो हर घर में इलेक्ट्रिक नहीं है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक है। इंडिया के हर शहर में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं जहां पर मैन पावर अपने काम से वहां पर काम करते हैं और रहने के लिए आसपास के रेसिडेंशियल एरिया में रहते हैं। रेसिडेंशियल एरिया में बहुत सारे ऐसे सिंगल होम अपने खुद के लिए इंडिपेंडेंट होम बना हुआ रहता है और कुछ रेंटेड होम के लिए बड़े लार्ज होम बनाए जाते हैं। वहाँ पर एक कॉमन जरूरत की बात करें तो वह है बिजली। बिजली सभी को जरूरत है, चाहे वह एक कमरे में रहे, चाहे एक बड़े घर में रहे, चाहे एक बंगले में रहे, बिजली हर की जरूरत है। यहाँ पर यह जो घर है ये 4 फ्लोर का एक घर है जिसमें मल्टीपल कमरेज बने हुए हैं। कितने कमरे हैं यहाँ के होम ओनर से जानेंगे, क्या क्या एप्लीकेशन यूज करते हैं वो भी जानेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं कि यह जो एरिया है वह वेस्ट बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट जो कोलकाता से लगभग 200 किलोमीटर दूर पर है। यह एरिया के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें, यह वही एरिया है जहां पर आप सुनते होंगे न्यूज में कि साइक्लोन आने पर यहां पर बिजली लंबे समय तक नहीं है, क्योंकि यहां पर बिजली के तारों के ऊपर पेड़ के बड़े बड़े खंभे गिर गए, पेड़ के तार गिरे हुए हैं, तो उसको बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, जिसके कारण लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम आती है वह आती है पानी का, मोबाइल चार्जिंग का, लाइट का, तो उस चीज़ को ज़रूरत को पूरा करने के लिए कैंडल का यूज कर रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में जो हैंडपम्प है ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रहा है, लोग उसके अल्टरनेटिव के लिए जनरेटर रखते हैं, लेकिन डीजल का कॉस्ट इतना महंगा हो गया है कि जनरेटर चलाना थोड़ा सा सोचने वाली बात हो जाती है कि हम जनरेटर कैसे यूज कर सकते हैं। तो यह जो एरिया है साइक्लोन अफेक्टेड एरिया है कि जब भी साइक्लोन का न्यूज आता है तो यह एरिया सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि पास में ही दीघा बीच है और यहाँ पर एक नदी भी है जिसको क्रॉस करके हम अभी आए हैं। और यहाँ पर पास में देखेंगे तो यहाँ पर पावर प्लांट है, सीमेंट का, बिजली का, ये सब पावर प्लांट है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा के ये पूरा घर जो आप देख रहेंगे, पूरा इंडिपेंडेंट होम, यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पास में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ के स्टूडेंट यहाँ पर रहते हैं। वो अपने बेसिक नीड में देखा जाए तो एक स्टूडेंट के लिए लाइट, पंखा, मोबाइल चार्जिंग, लैपटॉप चार्जिंग, ये सब बेसिक नीड होती है, उसी को जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पर 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया गया है। यहाँ पर जो सोलर सिस्टम लगाया गया है वह ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया गया है, मीन्स कि यहाँ पर उस समय भी बिजली बनाते रहे जिस समय यहाँ पर पावर कट हो, मतलब कि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, इसमें सोलर पैनल, इन्वर्टर और बैटरी लगा के यहाँ पर 24/7 पावर बैकअप यहाँ पर अवेलेबल किया जा रहा है। तो अब हम चलते हैं कि सोलर पैनल के साइड, वहाँ पर देखेंगे किस टाइप का सोलर पैनल इस एरिया के लिए बेस्ट है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर कितने सोलर पैनल लगा के यह पूरा घर सोलर पावर प्लांट पर चलाया जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 सोलर पैनल, 4, 8, 4, 12, 4, 16, मीन्स कि 16 सोलर पैनल लगा के यह पूरा घर सोलर पावर प्लांट पर चलाया जा रहा है। यहाँ पर अब इसके बाद जो आती है दूसरा कंपोनेंट, इन्वर्टर। यहाँ पर इन्वर्टर का सिलेक्शन जो किया गया है वह लोड के अकॉर्डिंग किया गया है। लोड कैलकुलेशन के लिए बेस्ट जो है कि आप जो नज़दीकी सोलर इंजीनियर हैं आप उनको घर पर बुलाएं, क्योंकि जब तक लोड आपका प्रॉपर क्लियर नहीं होगा तो इन्वर्टर का सिलेक्शन करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में जैसे ही आप लोड चलाएंगे
मे बी इन्वर्टर वो ओवरलोड होके वो बंद हो जाएगा, जिससे आपको सोलर लगाने का एक्सपेक्टेशन है जो पूरा नहीं हो पाएगा। तो एक बार इन्वर्टर के पास चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि कितने किलोवाट का इन्वर्टर लगा हुआ है, उसमें नंबर ऑफ बैटरी कितना है। अब इस सोलर सिस्टम में जो दूसरा और तीसरा कंपोनेंट होता है वह इन्वर्टर और बैटरी। तो यहाँ पर काफी लोग का क्वेश्चन होता है कि इस इन्वर्टर में नंबर ऑफ बैटरी कितने लगे हैं। तो यहाँ पर 7.5 KVA का सोलर PCU है और ये 150 AH का 8 बैटरी यहाँ पर लगा हुआ है। मींस कि यह इन्वर्टर 96 वोल्ट बैटरी को सपोर्ट करता है, इसके लिए यहाँ पर 8 बैटरी लगाया गया है। और इसकी इन कनेक्शन के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल MCB दिया हुआ है, जो यहाँ के जो इंस्टॉलर हैं वो अपने टेक्निकल फिजिबिलिटी को चेक करते हुए यहाँ पर ये पूरा का पूरा सिस्टम इंस्टॉल किए हैं। यहाँ पर कई लोग का क्वेश्चन ये होगा कि नॉर्मल PCU और सोलर इन्वर्टर MPPT में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि इस इन्वर्टर में एक चार्जिंग प्रोफाइल रहता है, सोलर बैटरी ग्रिड जो आप कंज्यूमर को सेट करना रहता है उनके जरूरत के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर 100% सोलर बैटरी ग्रिड चार्जिंग प्रोफाइल को सेट किया हुआ है कि दिन के टाइम में पूरा सोलर पर चलेगा, देन बैटरी पर आ जाएगा, देन ग्रिड पर जाएगा। और यदि तीनों पावर सोर्स अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर जनरेटर रखा गया है, जिसे जनरेटर से यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम ये जरूरत पड़ता है। इस सोलर सिस्टम का अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट आ चुका है, जिसमें आप लिथियम आयन बैटरी जो कैमल सीरीज में आता है, और वहां पर वॉल माउंटेड इन्वर्टर जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका स्पेस और यहाँ की जो इंस्टॉलेशन है वो सही रहे। तो ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ता है सोलर पैनल, लेकिन उसके भी पहले जरूरत होती है इस सोलर पैनल को इंस्टॉल कहाँ करवाया जाएगा। जरूरत तो बहुत बड़े सिस्टम की होती है, लेकिन उसके अनुसार एरिया, रूफटॉप एरिया की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर ये जो घर है वह लगभग 250 गज प्लॉट का एरिया है जिसमें यह घर बनाया गया है। तो यहाँ पर RCC रूफ है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ जगह पर टीन शेड ऊपर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर बारिश से छत को बचाया जाए, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर साइक्लोन इफेक्टेड एरिया है, तो इसको चारों साइड बाउंड्री से प्रोटेक्ट किया हुआ है कि तेज हवा भी चले तो यह एरिया सेफ रहे। जैसे कि आप देखते होंगे कई जगह पर कि पानी की टंकी हमेशा सीढ़ी के ऊपर वाले एरिया पर रखा जाता है, लेकिन इसको भी यहाँ पर नीचे ही रखा गया है, क्योंकि तेज आंधी यहाँ पर चलती है, तो इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखा जाए। तो इसलिए इंस्टॉलेशन एरिया में यहाँ पर यह इंस्टॉलेशन एरिया यूज किया गया है। और दूसरा खास वजह यह है कि यहाँ पर लो राइज स्ट्रक्चर यूज करके कि मेंटेनेंस, क्योंकि यहाँ पर जनरेशन, क्योंकि यह जो घर है एक कमर्शियल कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर मेंटेनेंस जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और जनरेशन के लिए जरूरत होती है टाइम टू टाइम मेंटेनेंस। तो इस पर्पज से कि ईजिली हम सोलर पैनल की क्लीनिंग कर पाए, किसी टाइप की दिक्कत आए तो हम उसको चेक कर पाए, तो इसलिए यहाँ पर लो राइज स्ट्रक्चर का यूज किया गया है। अब उसके बाद जो बारी आती है सोलर पैनल, सोलर पैनल मार्केट में बहुत टाइप के सोलर पैनल उपलब्ध है। यहाँ पर जो सोलर पैनल यूज किया गया है सार्क 440 सोलर पैनल यूज किया गया है। इस सोलर पैनल का यूज का जो सबसे बेनिफिट्स जो हमें समझ में आता है कि एक तो लो लाइट क्लाउडी वेदर में ज्यादा जनरेट बिजली बना के देता है, ये बेनिफिट्स है, और दूसरा कम स्पेस में ज़्यादा बिजली, ये दोनों बेनिफिट्स के कारण यह सोलर पैनल यहाँ पर लगाया गया है। जैसा कि आपको पता है कि ये सोलर पैनल, आपको साइज से सोलर पैनल कभी भी आप आइडेंटिफाई नहीं करें, क्योंकि आपको मार्केट में बहुत टाइप के सोलर पैनल इसी साइज में देखने को मिलेगा, लेकिन आप जब जनरेशन की बात करें कि आप जब भी अपने घर पर सोलर पैनल लगा देंगे तो जनरेशन आपको चेंज होने लगेगा या ओवर द टाइम वो चेंज होने लगेगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए सोलर पैनल का सिलेक्शन किया जाता है। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं अच्छे हूँ जी। सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें और ये एरिया के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये एरिया वेस्ट बंगाल का किस एरिया में आता है।
मेरा नाम समीर पात्र है, मैं वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। वेस्ट बंगाल का मेन पार्ट है मिदनापुर जी, जो दीघा के लगभग 50 किलोमीटर अंदर सराउंडिंग आता है जी। तो यहाँ यह क्लाउडी वेदर रहता है और कभी कभी साइक्लोन या वेदर बारिश मौसम खराब ही रहता है, हमेशा हमेशा के लिए खराब रहता है। अच्छा, तो सर ये जो घर आप बनाए हैं, ये आपका कब से ये बनाने की प्लानिंग हुआ और यहाँ तक आज आपके घर के छत पर हम खड़े हैं, ये कब से कब तक का है? 2019 अक्टूबर में शुरू किया था जी, 2020 तक खत्म हो गया था। ओके, तो 2021 साल में हम सोलर लिए, 21 साल में लगभग एक साल हो गया सोलर, एक साल ये लगाए हुए, एक साल सोलर यूज कर लिया हम। तो ये सोलर लगाने की काफी लोग जानने में यही इंटरेस्ट रखते हैं कि इस एरिया में या इस घर में ये सोलर क्यों लगाया गया है? ये सोलर हमको बैकअप देता है, जो हमारा कुछ कॉलेज का स्टूडेंट रेंट में रहता है, तो उसके यहाँ तो पावर कट ज़्यादा होता है, तो इसकी इसलिए यहाँ फैन या उसका मोबाइल या लैपटॉप के चलने में तकलीफ होता है, इसीलिए हम सोलर लगाए हैं। और जो पानी का तकलीफ तो यहाँ हमेशा रहती ही है सबमर्सिबल के लिए, इसीलिए सबमर्सिबल जाते जैसे चलेगा, इसीलिए हम 7.5 के भी सोलर लगाए हैं। ओके, यहाँ पर 7.5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। तो सर इससे आप जैसे बताए कि यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं, हाँ। तो उनके लिए पावर बैकअप के लिए लगा है। तो ये सोलर सिस्टम पूरे एक साल हो गया है, तो इसमें किसी टाइप की दिक्कत जो आपको, मतलब जो सोच के लगाए थे वो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आ रही है कुछ इस टाइप का? नहीं नहीं, सोलर लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोलर तो ये तो नेचुरल वेदर इफेक्ट भी है, जो वेदर जब कभी बारिश या कभी क्लाउडी वेदर होगा तो नेचुरली वो पावर कम देगा या पावर ज़्यादा देगा, वो कभी कभी होता है, लेकिन सोलर अच्छा है। हमने हमारे फेवर में जाएगा तो सोलर अच्छे ही काम करेगा। तो बारिश के मौसम सर और साइक्लोन जो तेज हवा चलती है उस टाइम में कुछ किस टाइप की आपको दिक्कत समझ में आती है? नहीं, तेज हवा नहीं, तेज हवा में कुछ तकलीफ नहीं होता है, लेकिन जब जब बारिश होता है वो पावर बैकअप कम कर देता है। ओके, तो उस टाइम आप क्या सोल्यूशन रखते हैं? नहीं, जो जिसका ज़्यादा सोलर ज़्यादा मतलब टीवी या फ्रिज पावर बैकअप के मतलब इलेक्ट्रिक ना होने से ज़्यादा चाहिए, तो उसको सोलर एनर्जी ज़्यादा लेना चाहिए, इसी तभी फायदा होगा, नहीं तो और दो ये आज कहाँ आधा घंटा एक घंटा इलेक्ट्रिक नहीं रहा तो सोलर बैकअप खत्म हो जाएगा। सर ये सोलर जो आप लगाए हैं ये मतलब ये जान के हमें तो बहुत एक्साइटमेंट, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से ये सोलर सिस्टम को देखने आए हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोलर के फायदे कैसे मिल रहा है इसका। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जिस दिन आपको लगा हो कि सोलर तो हमारे लिए सच में यहाँ फायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर क्या बिजली परमानेंट नहीं रहती है या क्या है? हाँ, ये तो मिदनापुर है, यहाँ हमारा हर तरफ हरियाली हरिया है। हाँ, तो जैसा दिख रहा है हर तरफ हरियाली, जब बारिश जब कभी तूफान आएगा तो हरियाली पेड़ गिर जाएगा, तो उसके अंदर गिर जाने से वो तार भी वायर की इलेक्ट्रिक वायर की भी वायर भी टूट जाएगा, वायर टूट जाएगा या खंभा उठा गिर जाएगा, तो इसके मेंटेनेंस में एक दिन या डेढ़ दिन या दो दिन लग जाएगा, तो इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। ओके, हाँ, तो तब हमको मजा लगा जो हर घर में इलेक्ट्रिक नहीं है, हमारे घर में इलेक्ट्रिक है। अच्छा अच्छा, तो उस टाइम आपको लगता है कि हाँ हाँ सोलर से सोलर अच्छे मैंने हमको बहुत अच्छा बैकअप देता है। तो इसमें इसमें जो आप जो पैसा लगाए इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उसका रिटर्न आप किस टाइप में देख रहे हैं आज के टाइम में? आज के टाइम में देखिए रिटर्न तो हम तो लगा दिया है, वो हमारा जो रेंट में है वो कैसे पूरेगा वो कैसे यूज करेगा उसका ऊपर डिपेंड करता है, हम तो नहीं हम कम यूज करते हैं, तो लगभग हमारा 4 या 5 साल में लगता है ये बैकअप आ जाएगा जी, आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 4.5-5 लाख का,
तो देखते हैं कितने साल में आते हैं। तो आप सर यहाँ पर आपके जो फोर्थ फ्लोर पर हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर अप्लायंसेस लोड आप इतने बड़े इन्वेस्टमेंट करने में आपको हेल्प कौन किए हैं? हेल्प तो हमारे मेरे या ये सेल्फ डिसीजन है आपका? नहीं, ये तो सेल्फ डिसीजन है। अच्छा। तो सेल्फ डिसीजन है, हमारे गार्डियन है, हमारे पिताजी है, तो दोनों एक साथ मिल के हम डिसीजन लिए जो बैकअप कैसे दिया, जो स्टूडेंट रहता है उसको बैकअप कैसे दे। तो जनरेटर में तो नहीं कम होगा, जनरेटर हर दिन पावर चला जाएगा, उसके लिए एक मैन पावर लगेगा। हाँ, उसको मैन पावर से वो कभी कम में आएगा या नहीं आएगा उसका पता नहीं, इसीलिए हम डिसीजन लिया जो सोलर पैनल लगा लिए। तो हमारा इतना बड़ा सर टेक फिनांशियल तो आप किए। हाँ हाँ हाँ, टेक्निकल कौन हेल्प किए हैं आपको? मतलब इंस्टॉलेशन करने में, सिस्टम साइज कैपेसिटी डिसाइड करने में, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करने में? ना, लोड डिस्ट्रीब्यूशन हम बहुत, ये तो जब हमारा घर कंप्लीट हुआ 2020 में, तो उसके बाद ही हम डिसीजन ले लिए हम सोलर लगेंगे। तो डिसीजन लेने के बाद हम लगभग 5 या 6 महीने नेट में सर्च किया जो सोलर कैसे लगाना चाहती चाहिए, कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसे देख के बाद उसका मैंने यूट्यूब में नाम क्या है उसका, रितेश घोष जी है, रितेश दा का एसआर इंटरप्राइज का हम नाम देखा। उसके बाद हमने उसका फोन किया, उन्हें विजिट करने आया हमारे घर में। विजिट करने के बाद हमने उनको लोड बोला जी हमारा ये लोड रहेगा। उसके बाद उन्हें बोला जी ये लोड आपका लिए अच्छा होगा तो आप लगा लीजिए। तो ठीक है, मतलब आपको ये सिस्टम लगवाने में रितेश घोष जी आपको हेल्प किए हैं। उनसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि उनकी फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो यहाँ पर ये सोलर सिस्टम जो लगाए हैं रितेश घोष जी हैं, जो सर को हेल्प किए हैं सोलर सिस्टम लगाने में। तो सर हम जानना चाहते हैं, सर से जब फर्स्ट टाइम आप मिले थे तो उस दिन का पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा था? पहला दिन का एक्सपीरियंस था, सर ने मेरे को कॉल किया था मेरा YouTube वीडियो देख के, तो उसके बाद उनसे बात हुआ है एक दो दिन पहले, तो उन्होंने एक डेट फिक्स किया, उसके दिन हम लोग आए हैं। उनका पूरा सिस्टम कहाँ पर क्या लोड है सब देखा है, समझे है, उन सर को भी समझा है जे आपको कितना सिस्टम बिठाना चाहिए, आपको कितना बैकअप चाहिए, बैकअप भी समझा हम लोग। तो उसका रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर को मैंने बोला इतना का सिस्टम आप इंस्टॉल कीजिए तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। उसी के बाद सर ने फाइनलाइज किया सिस्टम को, उसके बाद हम लोग इंस्टॉलेशन करते रहे। तो सर आप इंस्टॉलेशन, सिस्टम डिसाइड हो गया इंस्टॉलेशन में, ये इंस्टॉलेशन अभी हम थोड़ा देर पहले जो वीडियो में देखे थे वहाँ हाई राइज लगाया गया था। हाँ। रूफटॉप स्पेस बचाया गया था, लेकिन हाँ। यहाँ पर आप रूफटॉप स्पेस ना बचा के नीचे लगाए हैं, इसका कुछ खास वजह? खास बात एक ही है, क्योंकि ये फिफ्थ फ्लोर में इंस्टॉलेशन हुआ है, कॉमर्शियल स्पेस है, तो एक्चुअली हाई राइज पोजीशन में इधर भी लगा सकते हैं, लेकिन इधर बहुत मतलब तूफान आता है, बहुत हवा चलता है, ठीक है, जैसा तो, कि सर बता रहे थे। ये वाला ठीक बोला रितेश सर, ठीक ही बोला, लेकिन हमने बोला जो साफ सफाई में तकलीफ होगा। अच्छा। ठीक है, साफ सफाई में तकलीफ होगा, अगर कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम हुआ तो भी रिपेयरिंग में तकलीफ होगा, इसीलिए हम आपका भी रिकमेंडेशन था लो राइज। ओके, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का जो आप किए सर, तो फोर्थ फ्लोर पर, ये आप थोड़ा सा उसका एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे? इंस्टॉलेशन तो ऐसे बोलने में लग रहा है कि सोलर पैनल को ऊपर रख दिए। नहीं, ऐसे तो बात नहीं है। तो हम लोगों को इंस्टॉलेशन करने में लगभग 4-3 लगा है सिस्टम, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है तो मटेरियल चढ़ाने में भी कुछ दिक्कत आया है, इंस्टॉलेशन करने में कुछ दिक्कत आया है, तो दिक्कत तो आता ही है, लेकिन सॉल्यूशन हर चीज़ का होता है, इसका भी है। अच्छा, तो इसमें जो सोलर पैनल है सर, इसमें हम जो देख पा रहे हैं कि सोलर पैनल शार्क 440 और लूम सोलर का 375 वाट का सोलर पैनल, हाँ। दोनों मिक्स करके लगाया हुआ है, इसका खास वजह कुछ? खास बात है, क्योंकि देखिए, तो हम लोग अगर शार्क का टोटल 16 पैनल इंस्टॉलेशन कर देंगे तो सिस्टम में जो VOC है, जो एम्पियर है, उसको मैच करने के लिए हम लोग ऐसे सिस्टम इंस्टॉलेशन किया है। ओके, एंड दो सोलर पैनल के बीच का गैप आप दिए हुए हैं, ये कुछ खास इसका वजह है जो पैनल के बीच में हम देख पा रहे हैं कि जा सकते हैं लोग पीछे वाला बोला? जी जी, क्योंकि वो शैडो के लिए दिया हुआ है, गैप मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर शैडो पिछले वाले पैनल में गिरेगा तो क्या होगा, पूरा पैनल का जनरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जनरेशन को भी माइंड में रखा गया कि जनरेशन पूरा मिलना चाहिए। और आप अभी बताएं कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी रेट क्या है?
अभी लगभग चल रहा है 8 से 10 रुपया के बीच में, 8 से 10, 7.5 रुपया, 7.5 से 8 रुपया पर यूनिट के बीच में। तो यहाँ पर कनेक्शन कितने किलोवाट का मिला हुआ है? इनके पास 6 किलोवाट का कनेक्शन मिला हुआ। ओके, और इसमें जो सिस्टम लगाया गया किसी टाइप का गवर्नमेंट अप्रूवल ये सब की जरूरत नहीं? नहीं, हमने अप्लाई किया था, गवर्नमेंट ने, में वो कोई रिप्लाई नहीं आया था। अच्छा, लेकिन रीते सर बहुत हेल्प किया, वो फिनेंशियल दिख से कुछ आप सबसे पहले इनके काम को से कुछ फीडबैक बताना चाहेंगे? फीडबैक मतलब वो रीते सर जब पहली बार आया था वो छत देख के बहुत मजा आया, बहुत मजा लिया उन्होंने। कैसे? इतना बड़ा छत कहीं मिला नहीं मेरे को ऐसे। बहुत मजा लिया। अच्छा। उसके बाद काम 2-3 या 4 दिन से काम किया, मजा काम करने करने जब काम काम किया था तब भी मजा करके काम किया था। सुबह से रात 10-10.30 बजे तक काम करता था। अच्छा, मतलब इतना बड़ा स्पेस मिला नहीं था। हाँ। मिला भी होगा तो टीन शेड वाला मिला होगा, जिसमें बहुत ज्यादा है, जिसमें टीन शेड वाले में एक मतलब है तो सेफ्टी मेजरमेंट से काम किया जाता है लेकिन एक डर बनी रहती है कि जो भी मतलब रेलिंग ये सब पर सेट करना। तो आपको सबसे बड़ा मजा ये आया कि छत मिल गया, इतना स्पेस मिल गया। अच्छा, तो जनरेशन का कुछ इशू नहीं आएगा, एक्चुअल प्रॉपर डिग्री में भी हम लोग लगाए हैं। यहाँ पर सर ये जो पैनल स्टैंड है इसको फिक्स कैसे किए हैं? यहाँ पर कुछ आप अलग टेक्निक है या क्या है मजबूती बनाने के लिए? वो जो स्ट्रक्चर था वो तो स्क्रू से ड्रिल बिट का यूज किया, M10 फास्टनर यूज करके फिर इसको किया हुआ है। उसके बाद ही रीते सर बोला जो तुम इसके सीमेंट मसला वगैरह दे दो। अच्छा, जम कर दो। तो इसमें सर जो भी सोलर पैनल की सेफ्टी, जैसे कि हम कई जगह पर देखते हैं कि सोलर पैनल उड़ने से टूट जाता है तेज हवा में, तो इस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं सर, कैसे करते हैं या आप क्या रिकमेंड किए हैं? उड़ने नहीं जाएंगे, तो इसीलिए क्या किया हम लोगों ने, लो राइज स्ट्रक्चर यूज किया है। अच्छा, क्योंकि इतना अंदर हवा नहीं आएगा, आएगा तो हवा जैसे कि दीवार चारों साइड है तो सराउंडिंग बना हुआ है तो थोड़ा सा विंड का प्रेशर इस पर कम पड़ेगा। ओके, और सर कुछ यहाँ के लोगों को आप कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि ये बड़ा साइट है, एक रेसिडेंशियल के लिए इससे बड़ा 10 किलोवाट का होता है, लेकिन दिस इज सुटेबल फॉर लार्ज होम। तो कुछ आप बताना चाहते हैं साइट के बारे में लोगों को? देखिए ये साइट में टोटल सर के पास 12 रूम है, 12 रूम में फैन लाइट जो जो चीज़ है सब कुछ चलता है, फिर से 3 HP का एक पंप है जो बिल्डिंग में पानी उठाता है तो वो भी चलता है। तो सर का बगल में खुद का एक और भी घर है, उसमें फैन लाइट टीवी फ्रिज पंप ये सब भी सब कुछ चलता है इसी सिस्टम से चलता है। अच्छा, ना अभी बारिश के मौसम है, अभी नहीं चल रहा है लेकिन हमेशा चल मतलब रहा है। जरूरत पड़ने पर। हाँ। तो यहाँ पर जनरेटर रखते हैं इमरजेंसी के लिए? जनरेटर है तो आज के टाइम में यूज करते हैं? नहीं, जनरेटर देखें जी भाई, डीजल का भाव इतना बढ़ गया है तो जनरेटर कैसे यूज करे लोग, तो मतलब आज के टाइम में इसी से काम चला रहे हैं। ओके, ठीक है रितेश सर, थैंक यू। अभिषेक जी, ये वेस्ट बंगाल के कौन सा जगह है और इस जगह को किस तरीके से आप जानना बताना चाहेंगे? अभी हम लोग आ चुके हैं वेस्ट बंगाल के, इस एरिया को बोलते हैं मेचेदा के पास कोलाघाट बोल के एक टाउनशिप है, उसके अंदर है। और इस एरिया का इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, ये है साइक्लोन इफेक्टेड एरिया, यहाँ पे बहुत बिजली का प्रॉब्लम है हर साइक्लोन में। हमें ये बताइए, साइक्लोन जो 2020 का था और एवरी ईयर कुछ ना कुछ यहाँ होते ही रहता है, लेकिन 2020 का सबसे इम्पैक्टफुल साइक्लोन बना था, उस टाइम की सिचुएशन क्या था और उस टाइम में जिनके घर में सोलर है या लगा चुके उनको फायदा कैसे मिला था? 20 मई 2000 जब अम्फन हिट किए थे तब आदमी को पता चला बिजली रहने नहीं रहने से क्या होता है। क्या हुआ था? यहाँ पे 6 से 7 दिन प्रॉपर टाउन पे बिजली नहीं था, टोटल पानी के लिए आदमी तरस जाते थे क्योंकि ना पंप चल रहा था ना कुछ एसी, ना अंधेरा हो जाता था तो कुछ पूरा डार्क, कैंडल के ऊपर आदमी को भरोसा करना था।
तो फिर तब आदमी लोग का इंटरेस्ट लगा कि कैसे हम लोग इससे निकले। तभी हमारा यहाँ पे जो सोलर का डिमांड थोड़े थोड़े के इंक्रीज करने लगे। और ये जो एरिया हम लोग खड़ा है, ये है टोटल साइक्लोन इफेक्टेड। हर साल कुछ ना कुछ इफेक्टेड होता ही है, दो तीन दिन के लिए बिजली जाते हैं। और इस एरिया जो हम लोग खड़ा है, इस मिदनापुर का एरिया है ये, ठीक है। यहाँ पे एवरी डे 2 से 3 घंटा पावर कट रहते ही है। ये हम ये बताएं, साइक्लोन में या बारिश की मौसम जो बनती है, उसमें बारिश की मौसम क्या रहती है कि कंटिन्यूअस डे नाइट बारिश हो रहा है या क्या? नहीं, यहाँ पे वैसे जब आपका साइक्लोन आता है तो कंटिन्यूअस क्लाउडी वेदर रहता है और बारिश होते ही रहते हैं। लेकिन नॉर्मल जो रेनी सीजन होता है वैसे नहीं, कुछ टाइम पर बारिश होता है, कुछ टाइम पर नहीं होता है, ऐसे ही है। जैसे अभी जो है रेनी सीजन, अभी रेनी सीजन देखिए, अभी धूप भी है, कुछ कुछ क्लाउडी भी है, थोड़ी देर में बारिश आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सीजन इन बंगाल। ओके, तो यहाँ पर सोलर लगा के, या क्योंकि यहाँ पर वेस्ट बंगाल में सोलर पैनल लगा के लोग जो बेसिक नीड की, हम यहाँ पर एसी ये सब की बात नहीं कर रहे, बेसिक नीड जिसमें मोबाइल चार्जिंग लाइट, इतना तो बेसिक है एकदम, उसके लिए उनको दिक्कत कभी हुआ नहीं सोलर लगाने के बाद? नहीं, जब ये साइक्लोन इफेक्टेड हुआ उसके बाद इस एरिया में सोलर के डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि अवेयरनेस ज़्यादा हुआ, लोग जो लगाए हैं तो उनसे आदमी आके पूछते हैं कैसे क्या फ़ायदा रहेगा। तो जो साइक्लोन के मतलब उस टाइम की सिचुएशन के बाद जिनके घर में सोलर लगा लिए बेसिक नीड के लिए, तो क्या उनको कभी दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, सोलर लगाने के बाद इनका कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर तरह अंधेरा रहता है, इनके घर में बिजली है। तो इन लोगों के पास आदमी, जो लोकल आदमी है जिनके पास सोलर नहीं है, इनके पास आते हैं वाटर के लिए या मोबाइल चार्ज करने के लिए। ये एक यहाँ पे जो मोबाइल चार्जिंग एक बिजनेस बन गया है, जिनके पास सोलर है ऑफ टाइम में वो यूज करते हैं। अच्छा, तो जो सोलर में भी इस एरिया में जितने भी सोलर पैनल लगते हैं, वो किस टाइप के मोस्ट सोलर पैनल सबसे बेनिफिशियल है? इस एरिया में बेनिफिशियल है हमारा लूम सोलर के शार्क 440 वाट के पैनल और 540 वाट के शार्क पैनल, जिनसे प्रोडक्शन, देखिए दोनों का इसमें है क्या, प्रोडक्शन स्पेस अगर कम रहता है तो हम लोग शार्क 440 वाट देते हैं, अगर स्पेस है तो 440 वाट सजेस्ट करते हैं। और ये एरिया जो है हमारा हाई डिमांड है यहाँ पे सोलर का, यहाँ पे हमको पुश करना नहीं होता है, कस्टमर खुद आते हैं कि पूछते हैं कि हमको सोलर लगाना है। अच्छा, एक बात बताइए, जब ये सब जो तेज हवा यहाँ की चलती है, तो बहुत तेज हवा चलती है जिसमें जो न्यूज में दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के बिल्डिंग पलट जाता है, तो सोलर पैनल का ये उड़ने ये सब का टेंशन नहीं रहती है? नहीं, इसीलिए हम लोग देखिए, ये हमारा रूफ टॉप का नॉर्मल आरसीसी स्ट्रक्चर के ऊपर ये पैनल लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग हाई राइज लगाते हैं, ये साइक्लोन इफेक्टेड एरिया है, हवा से चांसेस है कि टूट जाए, तो उसीलिए हम लोग नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे रखा है छत के आरसीसी स्ट्रक्चर, जहाँ पे इनका सही सामान मतलब ठीक ठाक रहे, ये सलामत रहे। और कुछ यहाँ के जो ऑडियंस है वीडियो देख रहे हैं, तो उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? मैं बोलूँगा, आप लोग साइक्लोन इफेक्टेड एरिया में हैं, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, यहाँ पे ईएमआई सिस्टम है जहाँ पे आप सोलर पैनल बैठा सकते हैं। और ये जो सोलर पैनल आप बैठाओगे सर, इसमें आप ईएमआई में जो आप बिजली के बिल भरते हो हर 3 मंथ्स इंटरवल पे, वो ही आप मतलब सोलर लगाने के प्रिंसिपल अमाउंट चुका दोगे ईएमआई में, तो आपका बेनिफिट यही रहेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू निशी जी, थैंक यू सर। ठीक है, उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछें, और आप इस टाइप के सोलर इंस्टॉलेशन के बारे में और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप अपने घर या कुछ कमर्शियल में सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं, और आप नज़दीकी वेस्ट बंगाल के, क्योंकि सोलर एक सर्विसेबल प्रोडक्ट है, वहाँ पर आपको लोकल पर्सन
की सपोर्ट होती ही पड़ती ही पड़ती है। तो आप नियर वाइज जो लूम सोलर के पार्टनर हैं उनका आप लोकेशन नंबर आप लूम सोलर के वेबसाइट से निकाल सकते हैं, उनके दुकान पर विजिट कर सकते हैं, उनको आप खुद बुला सकते हैं, आप अपने घर पर जो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग सिस्टम को सजेस्ट करके देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।